इन दिनों राजधानी के सियासी गलियारों में जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं की आपसी मुलाकातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं अब इस सियासी मेल मिलाप पर निशाना साधने कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी की इस मिलन पॉलिटिक्स पर चुटकी ली है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी के सियासी गलियारों में जारी है मेल मिलाप का दौर। बीजेपी के नेताओं को आ रही एक दूसरे की याद। बीजेपी की जारी मिलन पॉलिटिक्स पर कांग्रेस ने साधा निशाना। मिलन पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेस को आई अपने साथ हुए धोखे की याद। राजधानी में इन दिनों मिलन पॉलिटिक्स का सिलसिला जारी है, जहां बीजेपी नेताओं की इस मेल मुलाकात का कांग्रेस ने भी अब सियासी मतलब निकालना शुरू कर दिया है। इस बीच पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को भी कांग्रेस के साथ हुए धोखे की याद आई और उन्होंने साथ दिया सीएम शिवराज पर जोरदार निशाना। जरा आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं की इस मुलाकात को लेकर कैसे पटवारी ने सीएम शिवराज पर कसा तंज। असल बात यह है कि अली बाबा और 40 चोरों ने मिलकर सत्ता लूटी है। अब सत्ता पर बैठने वाला एक व्यक्ति अली बाबा बाकी चोर कह रहे हैं अकेला क्यों भोग रहा है, तो तड़प रहे हैं बाकी चोरे, आपस में मिलके प्लान कर रहे हैं कि इस अली बाबा को चोरी की सत्ता है, हम क्यों नहीं भोगे। तो इसको लेकर रोज प्रयास आप रोज देख रहे हैं। मैं मानता हूँ हमारे हिंदू धर्म में एक धारणा है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इन्होंने चोरी की सत्ता हमसे छीनी है, तो अल्टीमेटली फ्री का माल हजम कितना होगा वो तो आप लोग देख रहे हैं। सत्ता के हथियाने के चक्कर में मेल मिलाप हो रहा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की माने तो सीएम शिवराज बोनस में मुख्यमंत्री बने हैं, जहां जनता ने कमलनाथ को सिलेक्ट और शिवराज को रिजेक्ट किया था। कम से कम उसको लिपिबद्ध तो कर दो, लिख के तो दे दो, कौन सी चार बातें मानी। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, आंख मिचली, कान बहरे हो गए, सरकार के देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया और कहने लगे पता ही नहीं हमें, कोर्ट चले गए और कोर्ट से निर्देश और आदेश दिला दिए। ये कैसा मुख्यमंत्री है भाई, कैसी सरकार है, समझ से परे। एक एक वो परिवार के लोग जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की हमारी सेवा की, हमें बचाया, अब वो सड़क पे हैं, हड़ताल पे हैं, दर्द में हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। ये है शिवराज सिंह जी। घोर घोर कांग्रेस पार्टी निंदा करती है इस कृत्य का शिवराज सिंह जी के, और मांग करती है कि जूनियर डॉक्टरों की मांगों को जो आपने मानी लिख के दो, हम कांग्रेस पार्टी जूनियर डॉक्टर के साथ है। बिल्कुल सही है, मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अंतिम संस्कार हुए। गांव का आदमी मृत्यु प्रमाण पत्र चूंकि पंचायत में मरा नहीं इसलिए गांव में बन नहीं सकता, यहां दर बदर भटक रहा है। हमने कमिश्नर को भी कहा है कि कम से कम ये प्रोसेस सही बनाए और सबको मृत्यु सर्टिफिकेट मिले। दूसरा, जो कोविड में लोग मरे हैं उनको कोविड का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक अभियान चलाने वाली है जिसमें जिन लोगों ने कोविड की दवाई ली और वो अंत में कोविड से फ्री भी हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे लोगों के फॉर्म भरवाएगी और हम हर जिलेवार उन फॉर्मों को कलेक्टर को, संभाग आयुक्त को और प्रदेश में मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो कोरोना में बीमार हुआ। हमने पहले मांग की थी, मुख्यमंत्री आए थे उस दिन भी मैंने की थी कि मिडिल क्लास के लोग या तो हॉस्पिटल गए तो बिक गए मर गए हैं या अपना सब कुछ बेच दिया है, ऐसे में सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हर कोविड पेशेंट को कम से कम 2 लाख रुपया सरकार दे, वो घर आ गया, ये उसका हक है, अधिकार है और सरकार का दायित्व है। तो शिवराज सिंह जी ये करें, ये भी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही। वहीं राजधानी के सियासी गलियारों में मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू करने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकातों को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत सारे हमारे मित्र चले गए, उनके परिवार में बैठने आए थे मैं, और पत्रकार मित्र भी गए, पॉलिटिकल मित्र भी गए हमारे। मैं चूँकि बंगाल में बिजी था तो मैं आ नहीं पाया था, 2 दिन से सब उन मित्र परिवार में ही घूम रहा था। और जहाँ फिर जाते हैं वहाँ राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक चर्चा तो होती है, पर ऐसा कोई नया हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, बस सिर्फ सामान्य जो चल रहा है उसके ऊपर चर्चा।
बहरहाल अब यह तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी नेताओं की मुलाकातों के बीच कांग्रेस का यह निशाना प्रदेश की सियासत पर कितना सटीक जाकर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।